18 मार्च से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। क्या है चुनाव को लेकर पुलिस की सुरक्षा, इस पर उत्तराखंड के आईजी लॉ एंड ऑर्डर दीपक सेठ ने कहा है कि लोकसभा के लिए पुलिस ने सभी प्रकार की व्यवस्था कर ली है। जहां तक आगामी निर्वाचन से संबंधित जो पुलिस की सुरक्षा योजना है, उसको लगभग हमने 2 महीने पहले से ही उस पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत हमारा जो इस निर्वाचन ड्यूटी में लगने वाला पुलिस बल है, उसका आकलन करते हुए एक जनपदवार डिप्लॉयमेंट प्लान हमने तैयार किया है। उसी को संकलित करके एक राज्य स्तरीय डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है और फिर यह आकलन किया गया है कि कितना पुलिस बल हम अपने स्ट्रेंथ से लगाएंगे, कितना हमें अधिक आवश्यकता होगी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स की और होमगार्ड्स की, और उसका प्रोजेक्शन हमने समय रहते कर दिया है।